हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनूज क्रिएशन। आज हम लेकर आए केले की टिक्की। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी रेसिपी है। इसे हम नॉर्मली भी खा सकते हैं और कुछ चीज़ों को स्किप करके व्रत में भी खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 केले लिए हैं और मैंने इनके ऊपर के सिरों को काट दिया है और हम इन्हें बॉयल करेंगे। मैंने 1 गिलास पानी डाल के इन्हें बॉयल करने के लिए रख दिया है और हम इन्हें तेज फ्लेम पर 2 सीटी आने तक बॉईल करेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2 सीटी आ गई हैं हमारी। उसके बाद हमने कुकर को ठंडा होने के बाद खोला है। हमारे केले अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं और हम इन्हें ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इन्हें पील ऑफ करेंगे। इनके छिलके को निकाल दिया है। अब मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। मैंने इन्हें ग्रेट कर लिया है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच सेंधा नमक यूज किया है। मैं इसे व्रत के लिए बना रही हूँ। आप नॉर्मल बनाएं तो सादा नमक यूज कर सकते हैं। उसी के साथ काली मिर्च, हरी मिर्च, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ जिंजर ऐड किया है और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड किया है। और इन सारी चीज़ों को मिलाकर अच्छी तरह से इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। डो तैयार हो चुका है। अगर आपके केले का डो थोड़ा गीला लग रहा है तो व्रत के लिए बनाएं तो आप इसमें सिंघाड़े का या कूटू का आटा ऐड कर सकते हैं, वरना अरारोट ऐड कर सकते हैं। मेरा डो एकदम परफेक्ट है तो मैं अब इसकी टिक्की बनाऊंगी। इसी के साथ मैंने इसमें धनिया ऐड किया है और मिक्स करके मैंने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया है और मैं इसकी अब टिक्कियाँ बना रही हूँ। आप टिक्की अपने हिसाब से बना सकते हैं। जितनी बड़ी आप टिक्की चाहें उतनी बड़ी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की टिक्की बनाई है और ऐसे ही हम अपनी सारी टिक्कियों को बना लेंगे। हमारी सारी टिक्की बनके रेडी हो चुकी हैं। अब इन्हें सैलो फ्राई करेंगे। मैंने गैस पर एक पैन रखा है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और हम इसे स्लो गैस पर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। हमें इन्हें उलटते दोनों साइड से पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। हमारी टिक्कियों का कलर चेंज हो गया है और ये अच्छी तरह से सेक चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये एकदम क्रिस्पी दिख रही हैं। ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और इन्हें सर्व करेंगे। मैंने आज यहाँ इसे धनिया और मिर्च की चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं या आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ये तो आपको आवाज़ से ही मालूम पड़ रहा होगा। अब मैं आपको इसकी चाट बना के दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर 2 टिक्कियाँ ली हैं। इसके ऊपर से मैंने मीठी चटनी, हरी चटनी, उसके बाद हम इसके ऊपर दही डालेंगे। जैसे हम नॉर्मल टिक्की बनाते हैं वैसे इसे सर्व करेंगे। बहुत सारा सा दही डालें, ऊपर से थोड़ी सी मसाले में नमक, जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, रेड मिर्च पाउडर और थोड़ी सी प्याज ऐड की है। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं और सादा नमक की जगह पर सेंधा नमक, व्रत वाले नमक को ऐड करें। उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च डालें और ऊपर से फिर एक बार मीठी चटनी, थोड़ा सा दही, इसके बाद हम इस पर हरी चटनी थोड़ी सी, उसी के साथ इस पर लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद हम इस पर थोड़ी सी बेसन की सेव डालेंगे और हमारी टिक्की एकदम बनके तैयार हो चुकी है। देख के मुंह में पानी आ रहा है ना। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। और आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं इन्हें लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।